बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन एवरीडे। दुआ करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, अल्लाह की ज़मान में होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने तमाम चाहने वाले व्यूअर्स के लिए टूटी फ्रूटी केक की बहुत ही प्यारी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये केक विदाउट ओवन के बनेगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को क्लिक करके नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करके और इसको पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। और इसके अंदर देखिए मैंने साथ में ये रख दिया है, स्टैंड रख दिया है। आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, छोटी छोटी प्यालियाँ भी रख सकते हैं या कोई पत्थर रख सकते हैं। तो अब जो है मैंने गैस ऑन कर दी है, मीडियम लो फ्लेम है इस वक्त। अब उसके बाद जो है ये ढक्कन रख दिया और उसके बाद जो ये प्रीहीट होता रहेगा। अब हम आते हैं केक की प्रिपरेशन के लिए। ये मैंने 3 टेबल स्पून जो है टूटी फ्रूटी ली है, ये होममेड है। और इसको जो है इसका लिंक जो है आप मेरी रेसिपी में देख लीजिएगा, आ रहा होगा, नहीं तो फिर आप मेरे चैनल में जाके किचन एवरीडे बाय फरहत तारिफ में जाके देख लीजिएगा। तो अब जो है मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा डस कर रही हूँ और उसके बाद जो है ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका मकसद ये होता है मिक्स करने का टूटी फ्रूटी में मैदे को, कि ये जब हम केक के बैटर में डालेंगे तो ये जो है जहाँ पे डालेंगे इसको वो वहीं फिक्स रहेगी उस बैटर के अंदर। तो अब इसके अलावा जो है इसके बाद जो है हम केक के मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ ग्रीस करने के लिए मोल्ड को। ये देखिए अच्छे से हम कर देंगे, इसके बॉटम को भी कर देंगे और साइड में भी इसके दीवारों के लगा देंगे। इससे हमारा केक जो है बहुत अच्छे से बेक होगा। और आज जो है मैं आप लोगों को विदाउट ओवन के बनाना बता रही हूँ पतीली में, और इंशाल्लाह देखिएगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर बटर पेपर लगा देते हैं, अच्छे से सेट कर देते हैं। ये देखिए अब मैं इसके अंदर मैदा शामिल कर रही हूँ 1.5 कप। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। कप ये वाला है मेरा, ये कप है मीडियम साइज़ का 1.5 कप। तो अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छानना बेनतहा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैदे में कीड़े मकोड़े होते हैं या कोई गुठलियाँ सी होती हैं, कोई अजीब तरह के ज़रात होते हैं, तो हमारी इस छन्नी में रह जाएंगे और अगर हम नहीं छानेंगे तो हमारे केक का स्पंज जो है वो ख़राब बनेगा। तो ये अब हमारा मैदा छन गया है। अब हम इसको अंदर 1 टीस्पून में बेकिंग पाउडर का डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमने ये मेरे पास 150 ग्राम बटर है अनसॉल्टेड, तो इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। अब हम इसको बीट करेंगे 30-40 सेकंड के लिए। अच्छा, एक बात है कि ये मेरा जो बीटर है ये कुछ आज गड़बड़ कर रहा है, तो एक साइड मैं इसका निकाल दूंगी, ये बार बार निकल रहा है एक साइड, तो इसको मैं निकाल के ना एक ही साइड से मैं बीट करूँगी। वो ज़रा कुछ टाइम लग जाएगा इसमें करने में, बीट करने में, लेकिन यह है कि एक साइड में निकाल रही हूँ इसका और फिर इसके बाद बीट करती हूँ। हमारा ये बटर हो गया है, बीट हो गया है,
30-40 सेकंड तक किया था। अब मैं इसके बाद जो है ये चीनी ऐड कर रही हूँ, ये मैंने ग्राइंड कर ली थी। अगर दाने वाली रखते ना तो इसको टाइम लगता घुलने में, पिघलने में, तो ये बीट होने में टाइम लगता, तो इसलिए मैंने ग्राइंड कर ली थी, ये ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, और दूसरे ये कि अगर मेरा ये बीटर जो है कुछ गड़बड़ करेगा तो ये फॉर्क के इससे मैं बीट कर लूँगी, या फिर ये हैंड बीटर जो है इससे कर लूँगी मैं। फिर अब ये मैं इसके अंदर मिक्स करके मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, बीट करती हूँ सॉरी। ये मेरी चीनी जो थी एक कप थी, जो मैंने मेजरमेंट का दिखाया था ना मैदे का, तो ये एक कप थी। अच्छा, अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। ये हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से बीट हो गई हैं। अब मैं एक एक करके अंडे डालती जाऊंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको फिर बीट करते जाएंगे। ये हमारे अंडे भी तीनों अच्छे से बीट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर एसेंस शामिल कर रही हूँ। ये देखिए एक ड्रॉप जो है बस ये, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए मैंने बस ड्रॉप ही डाला है। और थोड़ा सा इसको मैं बीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है फ्लावर जो हमने रेडी करके रखा हुआ है वो डालेंगे। देखिए इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत हो गया है। और उसके बाद जो है अब इसके अंदर हम फ्लावर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, अब इसके बाद बीट करते जाएंगे इसको। ये हमारी तमाम चीज़ें बीट हो गई हैं, फ्लावर भी, बटर भी और एग्स भी। और इसको हल्के हल्के हाथ से अब हम समेट लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर हुआ है इसका। अब इसके बाद जो हम इस स्टेज पे टूटी फ्रूटी डाल देते हैं और बहुत एहतियात से इसको चलाना होगा। ये मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है मोल्ड के अंदर सेट कर देंगे।
अब इस मोल्ड के अंदर जो ग्रीस शुदा है अब इसके अंदर एहतियात से डालते जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका, कलर भी देखें कितना खूबसूरत है, और इसकी बटर की कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत खुशबू सोंधी सोंधी आ रही है। इसको सबको समेट लेंगे हम। हमारा तमाम बैटर जो है जा चुका है, अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे, टैप कर लेंगे इस तरह। और उधर प्री हीट हुआ हो रहा है वो पतीला, और उसके अंदर रख देंगे। ये हमारा पतीला बहुत अच्छे से प्री हीट हुआ है हो रहा है बल्कि, तो ये मैं जल्दी से इसको खोल के और ये इसको मोल्ड को रख दूंगी। बहुत गर्म हो रहा है ये, और अब इसको 40 मिनट्स के बाद चेक करते हैं हम। और बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देती हूँ, जैसे दम वाली गैस होती है ना उस पर किसी खाने को दम देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दूंगी मैं दाने दाने वाली। और उसके बाद 40 मिनट के बाद आपसे इसको देखेंगे, चेक करेंगे। हमारे 40 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, अब देखते हैं इसको खोल के माशाल्लाह से कितना सेट हो गया है। वैसे मैंने 40 पे खोल के देखा था, 40 मिनट्स पे, लेकिन ये नहीं हुआ था, थोड़ी सी कमी थी और मैंने 5 मिनट्स और दे दिए। 45 मिनट्स पे ये हो चुका है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल नीट स्टिक निकल रही है, ये देखिए, ये देखिए। सब दूसरी तरफ से भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये बिल्कुल नीट है। इसका मतलब है हमारा केक हो चुका है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ, और इसके बाद जो इसको हम निकालते हैं और 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं, फिर इसको मोल्ड के अंदर से निकाल के कटिंग करते हैं। इसको मोल्ड को पतीले से निकाल लिया, अब इसको 5 मिनट के लिए हम इधर ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये हमारा ठंडा हो गया है, कुछ है तो अभी गर्म थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि ठंडा हो गया, पकड़ने के लायक हो गया। अब इसको हम मोल्ड में से निकालते हैं। पहले तो हम इसको छुरी से अलग करेंगे इसके किनारों को जो लग चुका होता है साइड में। ये देखिए वैसे तो अलग अलग ही है तकरीबन, लेकिन ये कि फिर भी निकाल लिया नाइफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही गर्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसका बटर पेपर को उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना खूबसूरत लग रहा है, नीचे से भी कितना अच्छा है, प्यारा लग रहा है। सुभान अल्लाह, ये देखिए ये इसका स्पंज देखें, ये कितना सॉफ्ट है, हार्ड भी नहीं है। यहाँ से भी सब बेक हो गया है, इधर से सब तरफ से देखिए, ये देख लें ये सब कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है। अब इसके बाद जो हम इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये हो गया है। और उसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, टी टाइम में ले सकते हैं, शाम को बच्चों को लंच में दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख दें, और तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक ये आराम से चल सकता है। फ्रिज में रख दें, और खाने से पहले कुछ देर पहले फ्रिज से निकाल लीजिए, और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा ये। टूटी फ्रूटी टी केक तैयार है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर बनाइएगा।
आई होप कि आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएगा, स्पेशली आपके घर के नन्हे मुन्ने चांद सितारे जैसे बच्चे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा। अपनी शेफ फरहत तारिक को किचन एवरीडे से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी लेके दोबारा से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।